त्यौहार का मौका और सास बहू बेटियां पहुंच गए एक ऐसी जगह जहां पर ढेर सारे मिठाइयां मिलती हैं। भाई ये है मुंबई का मोहम्मद अली रोड या टाउन एरिया, जहां पर ईद के वक्त लगता है बहुत बड़ा बाजार। और आज ताहिर शब्बीर हमें इस बाजार के दर्शन करा रहे हैं। वैसे खास बात है कि ताहिर का खुद का एक रेस्टोरेंट है जहां पर मिलता है लजीज खाना। तो त्यौहार के मौके पर हम ताहिर के साथ इस खाऊ गली के दर्शन करेंगे, उनके रेस्टोरेंट की सैर करेंगे और मनाएंगे ये त्यौहार। तो चलिए सास बहू बेटियां संग चलते हैं इस खाऊ गली में, जहाँ पर त्यौहार के मौके पर मिठाइयाँ और तरह तरह के खाने की बहार लगी है। रमजान के ये स्पेशल ओकेशन पे हम पहुंच गए हैं मोहम्मद अली रोड। आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ बहुत ही भीड़ लगी रहती है। ये एक ऐसा महीना रहता है जब हर जगह से लोग यहाँ पर आते हैं खाने पीने के लिए। आप देख सकते हैं भीड़ देख सकते हैं, खाने की खुशबू देख सकते हैं। और हम पहुँच गए यहाँ पर आज के स्पेशल दिन पे, क्योंकि हम मिलने वाले हैं ताहिर शब्बीर से, जिन्होंने अपने ये बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी जगह पे बुलाया है। ये इनके डैडी की शॉप है जो अब वो अपने भाई के साथ चला रहे हैं। तो आज के ईद के मौके पर हमें यहाँ बुलाया है, हम उनके साथ टाइम स्पेंड करने वाले हैं और बहुत सारी चीज़ खाने भी वाले और बहुत सारी बातें भी करने वाले। आइए हम उनसे आपको मिलाते हैं, चलिए। सीरियल निशा और उसके कजन से अपना डेब्यू करने वाले ताहिर तापसी पन्नू के साथ फिल्म नाम शबाना में नजर आए, और कियारा अडवाणी के साथ भी इन्होंने फिल्म गिल्टी में काम किया है। लेकिन अभिनेता होने के साथ साथ एक प्रोड्यूसर है और साथ साथ इनका ये रेस्टोरेंट भी है। तो भाई रेस्टोरेंट में क्या क्या खास है और ताहिर कैसे एक्टिंग करियर के साथ अपना ये रेस्टोरेंट वाला करियर मैनेज करते हैं, आइए जानते हैं। सीधा चलते हैं उनके रेस्टोरेंट में और लेते हैं इस रेस्टोरेंट का टूर। चले जा रहे हैं अग्निपथ की राह पे। थैंक यू फॉर कमिंग। मेरे अब्बा हमेशा कहते थे कि खाने और खिलाने से बेहतर कोई चीज़ नहीं है, सो नथिंग लाइक फीडिंग माय फ्रेंड्स। एंड थैंक यू फॉर कमिंग, इवन मेरे दर्शकों, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस ऑन ईट। पहले जो थी दुकान हमारी सामने हुआ करती थी, वेयर अभी यहाँ पे पत्रे लगे हुए बड़ी 1953 आई थिंक मेरे ग्रैंडफादर ने स्टार्ट की थी। फिर बड़ी तकलीफें आई, अब्बा ने शुरू किया, माय डैड आई लॉस्ट हिम 6 years ago, 6 साल पहले उनका इंतकाल हो गया। तो मेनली मेरे भाई के और मेरे लिए इट्स अ लेगेसी बिजनेस। तो हम पहले खाना नहीं करते थे, पहले सिर्फ मिठाई की दुकान थी। अब एज यू कैन सी फुल फ्लेजेड रेस्टोरेंट है। बोरा जो हमारी कम्युनिटी है, दाऊदी बोरा कम्युनिटी, जो यमन से खाना आता है, तो हमारी जो लिनिएज है वो यमन से है। तो वहाँ का जो जो खाना होता है बड़ा स्वादिष्ट होता है। सो वहाँ से मिक्स करके, इंडियन मसालों से मिक्स करके कुछ अलग ही एक अनोखा स्वाद है। सो खाना है, मिठाइयाँ तो है ही। इट्स अ 70-year-old रेसिपी जो मेरे अब्बा ने भी जो भी क्रिएट किया है। तो अभी नाउ इट्स अ मिक्सचर ऑफ बोथ द स्वीट्स एंड द रेस्टोरेंट। आप कभी भी आएंगे, यू कैन इवन बुक टेबल्स नाउ बिफोर यू कम, रमदान के बाद भी। तो अभी अगर आप देखोगे द आउटसाइड एरिया इज जस्ट द आउटसाइड सिटिंग व्हाट यू सी। अमेरिका से भी लोग आते हैं वहाँ पे, अमरीकी लोग आए हैं वहाँ खाना खाने। दैट्स अ बिग ऑनर, दैट्स अ वेरी बिग ऑनर कि पीपल फ्रॉम अब्रॉड। पहले ऐसा था कि लोग दादर के आगे से आते तो मैं बड़ा खुश होता हूँ, अभी नागपुर से आते हैं, हैदराबाद से आते हैं, कलकत्ते से आते हैं, अमरीका से आते हैं। सो इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट। एंड अभी आप खाना देखेंगे तो ये सब लाइव बनता है यहाँ पे। इट्स अ लाइव काउंटर, ऐसा नहीं है कि कहीं बनाया है और अभी खिला रहे, यहाँ पे लाइव बन रहे हैं। आगे अभी यहाँ पे ये सब पिकअप टेक अवे काउंटर्स है। सॉरी थोड़ी भीड़ है यहाँ जो है, यहाँ जो तवे के जो चीज़ें बनती है, बैदा रोटीज होती है, रोल्स होते हैं। दिस इज़ वेरी बॉम्बे, बॉम्बे की जो ओरिजिनल रेसिपीज़ है ना, जो बम्बई में पहले बनती थी 200-250 साल पहले, उसको हमने क्लीन अप करके हम लोग बड़े ही स्वादिष्ट तरीके से यहाँ पे बनाते हैं। और ये दिस इज़ माय फेवरेट, दिस इज़ द भूना का तवा, भूना फिर नान चाप जो सैंडविच बनता है, वेरी यमी, वेरी टेस्टी, वो यहाँ बनता है। वी आर द ओनली पीपल विच ऑल्सो हैज़ अ वेजिटेरियन तवा, वे जो वेजिटेरियन लोग अक्सर यहाँ आते नहीं हैं, बट वी हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर वेजिटेरियंस, वीगन्स। मेरी दोस्त है स्नेहा उलाल, शी इज़ अ वीगन एक्ट्रेस है, आप जानते होंगे लकी पिक्चर की, तो वो सिर्फ वीगन खाना खाती है, तो उसके लिए हम वीगन खाना भी बनाते हैं। सो एनीबडी हु कम्स हियर शुड ईट समथिंग और द अदर। दिस इज द वाइब, दिस इज द मेन थिंग दैट वी डू। मालपुआ, मेरे जो ग्रैंडफादर थे अब्दुल्ला मिठाई वाला, वो ऐसे भाई मेरे जैसे बैठे वहाँ पे बैठ के वैसा ऐसा बनाया करते थे। दिस इज द मालपुआ मेकिंग स्टेशन।
मैं अभी लट्ठा जो है मैं नहीं बना सकता बिकॉज थोड़ा कपड़े खराब हो जाएंगे, बट आई कैन एक्चुअली फिजिकली वॉट ही इज डूइंग आई कैन ईजिली डू वॉट जो शमशाद है, कभी कभी शमशाद थक जाता है तो मैं उसकी मदद कर देता हूँ, बट द मेन पीपल आर ओवर देयर माई मदर, मेरी मम्मी है यहाँ पे, ये गल्ला है जहाँ पे मेरे अब्बा का फेस है, दैट्स माई डैड्स फेस। जब अब्बा का इंतकाल हुआ तो उनका नाम मैंने ऊपर लगा दिया शब्बीर और उनका फेस लाइक द केव, दैट्स माई मदर समीना मिठाई वाला, माँ से हाई टू आज तक। तो मम्मी बैठती है, मेरा भाई दिख नहीं रहा, पता नहीं कहाँ गया, हमेशा जंग के टाइम पे भाग जाता है, पता नहीं कहाँ होता है। दिस इज द फिरनीज। ये जो रेसिपी है बड़ी लंबी कहानी है, कभी कभी कोई एक इंटरव्यू सिर्फ इस पे करेंगे, हाउ माई फादर एंड वी ट्रैवल्ड ऑल द वे टू ईरान टू फिगर, बिकॉज मेरे डैडी का ये मानना था कि इस प्राइस पॉइंट पे आपको कोई बीट नहीं कर सकता, तो किसी कस्टमर ने बोल दिया कि भाई इस प्राइस पॉइंट पे ईरान पे तेहरान में एक बाजार है उसके अंदर इस प्राइस पॉइंट पे बेटर मिल सकती है। तो मेरे अब्बा इतने पैशनेट थे, कभी लोनावला के आगे नहीं जाते, पर इसके लिए वो ईरान तक पहुँच गए, एंड ही एंड द ओनर ऑफ दैट शॉप मेड दिस, सो दिस इज लेगेसी। दिस प्राइस पॉइंट्स अनबीटेबल। ये केसर है, ये मैंगो है, फिर माई ब्रदर ऑल्सो शेफ, मेरे भाई की फिरनिया अभी गायब हो गई है, वो शुगर फ्री बनाता है, तो अभी शुगर फ्री चीज़ें सब खत्म हो जाती है, हम लोग 2 घंटा लेट है। Welcome inside. This is a heaven. AC चालू है, AC section है. AC section is always a great section because यहाँ पे थोड़ा पसीना कम होता है. And as you can see, यहाँ पे रमजान में table लगे हुए हैं. पर normally tables नहीं होते हैं. Normally यहाँ पे general days पे मिठाई के cabinets होते हैं. रात में 10 बजे के बाद it becomes a restaurant. भाई वैसे त्यौहार का मौका है, इसे ताहिर के बहुत सारे दोस्त उनके रेस्टोरेंट पे आए हैं, तो चलिए देखते हैं कि कैसी महफिल जम रही है यहाँ पर। और वैसे आज ताहिर खुद बन गए हैं शेफ और अपने दोस्तों के लिए कुछ खास व्यंजन भी बना रहे हैं। माय फैमिलीज आर हियर टुडे, सम ऑफ माय फ्रेंड्स हैव कम टुडे, इवन आलम भाई इज हियर। वी ऑल आर लविंग इट एंड तवक्कल इज द बेस्ट प्लेस टू कम एंड eat, and it's a feast over here, you know, you want to eat each and everything out here, and the desserts are to die for. Yeah, bhai aa gaya mera, mere dono bhai aa gaye, dono anmol ratan hai, so he's the man. Moyad, would you like to say anything? I'm just very happy to have everyone here, and Eid Mubarak in advance to everyone. फिलहाल दो चीज़ें चल रही है, एक हॉटस्टार का शो है जिसमें मैं आई एम प्लेइंग अ विलन, बहुत टाइम के बाद आई एम प्लेइंग अ विलन, मुझे विलन्स प्ले करने में बहुत मज़ा आता है, कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर बिलीफ, और हॉटस्टार के लिए एक शो प्रोड्यूस भी कर रहा हूँ, इट्स आई कांट नेम द शो येट, अभी तो एक्चुअली नाम फाइनलाइज भी नहीं हुआ है, बट वो आ रहा है, बहुत जल्दी आएगा, होपफुली अगस्त या सितंबर में वो शो आएगा, उसी में बिजी हूँ, और दुआ कीजिए काम जितना ज़्यादा है उतना ही कम है। वेल फिल्म में यस, आशुतोष एंड आई आर राइटिंग अ फिल्म, एक्टिंग में आई हैव जस्ट ऑडिशन फॉर 2-3 थिंग्स, दुआ कीजिए वो हो जाए, प्रोडक्शन में भी वी आर होपफुली 2-3 चीज़ें, और हम लोग वी आर नॉट जस्ट नॉर्मल प्रोड्यूसर्स राइट, वी आर क्रिएटिव पीपल, तो हम क्रिएटर्स भी बनते हैं जो भी हम बनाते हैं उसमें, सो 2-3 शोज उसमें भी है, एक डेंटल स्टार्टअप है डेंट एट होम करके, जहाँ पे डेंटिस्ट आपके घर पर आ जाते हैं, सो आई एम इन्वेस्टेड इन दैट बिकॉज आई एम वेरी वरीड, मुझे अपने दांतों से बहुत प्यार है, सो इमेजिन अगर आप अभी आपको डेंटिस्ट के वहाँ जाने का, आपके 10 साल के बच्चे हो आपके वहाँ, तो वो कभी डेंटिस्ट के वहाँ जाते नहीं हैं, बूढ़े हैं तो वो भी नहीं जा पाते, तो ये आपके घर पे आ जाएंगे, सो डेंट एट होम है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर ट्राइंग टू नाउ टेक दिस, पीपल हैव शोन सो मच लव, एज यू कैन सी ऑन अ मंडे नाइट ट्यूजडे नाइट देयर 4 बजे तक आते हैं, तो इसको भी थोड़ा अभी एक्सपेंड करेंगे इस साल। Hello everybody. So this is a chicken cheese baida roti. No, I'm gonna have this first. What is that? This is the mutton roll. No, there's no cheese in this. That's chicken cheese. This is chicken. This is a chicken cheese baida roti. This is the mutton roll. So it's like filo pastry ke andar there's a layering of egg and mutton.
डायरेक्टली मेड ऑन द तवा. मेरे फ्रेंड्स भी दबा रहे हैं, मैं भी दबा रहा हूँ. दबाओ दबाओ, दबाने की हद हो चुकी है. हम स्टार्टर्स तो खा चुके हैं, तो मैं सोच रहा हूँ अपने दोस्तों के लिए अपने हाथों से मालपुए बनाऊँ. अपने हाथों से मेरे हाथों के मालपुए बड़े फेमस हो चुके हैं अभी. चले आप भी खाइए, आप भी देखिए कैसे बना रहा हूँ. तो ये अपने मोहम्मद भाई है और ये शमशाद भाई है, बनाता मैं हूँ अभी. दोस्तों आज मेरे कई दोस्त आए हुए हैं. पुनीत हमारे डायरेक्टर, मेरे पुराने डायरेक्टर साहब है जिन्होंने बड़ी अच्छी फिल्में बनाई है धर्मा में. मेरे दोस्त आए हैं वरुण सूद वगैरह, नम्रता, मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं, मेरी फैमिली आई हुई है, आलिम भाई आए हुए हैं. तो उनके लिए अभी मैं कुछ कुछ बनाने वाला हूँ. चलिए देखते हैं. मैं नॉर्मली तो इतना नहीं बनाता हूँ, पर आज थोड़े बिकॉज आप आए अपने हाथों से बनाता हूँ. कम ऑन, लेट्स डू इट. All right, my friends, just for you. और मेरे जो दोस्त अंदर बैठे हुए हैं उनके लिए आज आलिम भाई और मेरी स्टाकास के लिए बड़ा अच्छा खाना बनाऊंगा मैं. तो इसके ये अपना इसका जो टेक्सचर होता है बहुत ज़रूरी है. उसको आप जितना नरम बनाओ उतना बेहतर है. ये देखिए, हैव अ लुक. ओके, थैंक यू. अंदर मिलते हैं दोस्तों. तो ये है चिकन टिक्का. ये ऑलमोस्ट मैंने ख़त्म कर दिया है. यहाँ पे गर्मी इतनी है कि आप रेगिस्तान को भूल जाओगे. ये है हरा भरा हरियाली कबाब. ये रेशमी कबाब. तंदूरी तंगड़ी कबाब तो आप जानते ही होंगे. अब ये जाके खिलाता हूँ मेरे दोस्तों को अंदर. चलिए आइए. पर ये मेरा फेवरेट है, चिकन मलाई टिक्का इज़ माई मोस्ट फेवरेट. यमी. चले जाके सबको खिलाते हैं अभी. चलो भाई इसको उतारो. यहाँ पे जो है एक्चुअली लोग कई आते भी इसीलिए क्योंकि फैमिली हॉस्पिटैलिटी है कि हम शायद कुछ भी कर ले. और इतना ही नहीं, आप यहाँ पे जो मेरे दोस्त देखेंगे, टू थिंग्स मैं बताना चाहूँगा. एक के वी आर द ओनली पीपल देयर आर फेमिनिस्ट. यहाँ पे पूरे एरिया में जो है आप देखोगे लेडीज़ कहीं काम नहीं करती है, पर हमारे वहाँ प्रिंसिपल है कि 50% जितना मेन जेंट्स स्टाफ है उतना ही फीमेल स्टाफ है. सो वी आर अ वेरी फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन. फूड इज़ फॉर एवरीबडी, वेजिटेरियन वीगन. ऐसा नहीं है कि आप नॉन वेज खाते हो. हम वी गिव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टू ऑल काइंड ऑफ क्विजीन्स, ऑल काइंड ऑफ कल्चर्स, ऑल काइंड ऑफ रिलीजन्स. फिर वन मोर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज द हाइजीन. वी आर द ओनली पीपल हु हैव अ प्रॉपर बेसिन सेटअप, हाइजीनिक सेटअप. तो ये चीज़ें हमारे वहाँ मतलब इट्स अ वेरी यूनिक थिंग. यस, कैट. ओ दैट्स अ कैट, शी सॉ कैट. लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये अपना मालपुआ है. इससे समाप्त होती है बातें मोहब्बतें. और ये रबड़ी है जिसमें हम, ये आपके लिए और ये मेरे लिए. थैंक यू. ईद मुबारक इन एडवांस. ईद तो सबकी होती है. प्लीज़ मेरे अब्बा का मैसेज था, स्प्रेड लव. Love your food, love your people. जल्दी मिलेंगे. Mwah.
तो मुंबई में हर त्यौहार की बहार होती है और इस त्यौहार में भी कुछ ऐसा ही है जहाँ पर खाने का मजमा जमा है और ताहिर शब्बीर ने आज हमें यही दिखाया। मुंबई से अनीता ब्रिटो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां।